सब्सक्राइब कीजिए काबूम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो बताने वाला मैं लॉफ्ट कमांड के बारे में। लॉफ्ट कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर जो लॉफ्ट कमांड आता है वो किस तरह और किस जगह पे यूज होता है, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके, लॉफ्ट कमांड आखिर में होता क्या है? लॉफ्ट कमांड से क्या होता है कि अलग अलग जो समझ आपको प्लेयर्स बना रहे हैं, अलग अलग डिजाइन के प्लेयर्स बना रहे हैं, या फिर अलग अलग डिजाइन के जो पिलर्स होते हैं, या फिर आपको स्क्रू ड्राइवर जो डिजाइन होते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर ये बता दो, जैसे कि ये स्क्रू ड्राइवर में आप देख सकते हो, जैसे इधर पे गोला आ गया है, फिर इधर पे अंदर चले गया है, फिर इधर पे एक स्मूथ बन गया है, फिर इधर पे गोला हो गया है, फिर इधर पे ऐसे सीधा बन गया है, फिर इधर पे एक सीधा चपटा हो गया है। तो ये पूरा स्क्रू ड्राइवर हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो ये पूरा लॉफ्ट कमांड से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, पूरा पूरा ऑल टोटल लॉफ्ट कमांड से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है वो मैं बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग को लॉफ्ट कमांड के लिए सबसे पहले तो हम लोग का जो स्क्रू ड्राइवर है, जो ये नहीं कि मैं स्क्रू ड्राइवर बना, तो स्क्रू ड्राइवर ही आप पिलर्स भी बना सकते हो इसी तरीके से, ठीक है? तो फिलहाल तो मैं स्क्रू ड्राइवर के जरिए आपको बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएंगी क्या क्या चीजें होती है। तो मैं इधर पे ये इतना बड़ा सा मैं एक लाइन ले लिया हूँ, सीधा स्ट्रेट लाइन। ओके, और जैसे जैसे शेप से अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर शेप से इसके जो बन रहे हैं, एक थोड़ा सा अंदर और थोड़ा सा बाहर, फिर इधर गोला, फिर इधर सीधा ऊपर, फिर इधर अंदर, फिर इधर एक छोटा सा सर्कल, फिर इधर एक छोटा सा एक रेक्टेंगल। तो वो हम लोग को पहले शेप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो शेप्स क्रिएट करने का एक इजी तरीका मैं बता देता हूँ। तो एक शेप्स क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक सर्कल चाहिए। पहले सर्कल मेरा कितना मोटा होना चाहिए, एक रेंडमली मैं ऐसे कुछ प्रॉपरली साइज नहीं ले रहा हूँ, रैंडम साइज ले रहा हूँ। ओके, और मेरा एक स्टार होना चाहिए, एक स्टार ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, ये रहा मेरा स्टार, ठीक है? स्टार भी मेरा इतना बड़ा स्टार नहीं चाहिए मुझे। ओके, पॉलीगॉन की तरह भी रहेगा तब भी चलेगा। और इसको अगर मुझे थोड़ा सा स्टार को एक मिनट, यस ऐसे रहना चाहिए, फिर थोड़ा सा स्मूथ रहना चाहिए ऊपर का, ऊपर का मैंने स्मूथ कर दिया। अगर अंदर का ही मेरे को हल्का सा स्मूथ चाहिए तो अंदर का ही मैंने स्मूथ कर दिया। ये मेरे को एक शेप मिल गया, तो इसका भी मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ कॉपी। तो इसके अंदर मैं इसकी साइजेस को और छोटा कर देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा अगर छोटा एक और शेप चाहिए रहा कहीं पर तो उधर भी मैं यूज़ कर सकूँ। वैसे तो यूज़ नहीं पड़ेगा, फिर मैंने ले लिया हूँ वैसे एक, ठीक है? और एक और सर्कल हम लोग ले लेते हैं, इससे भी छोटा एक सर्कल, एक और स्मॉल सर्कल, यानी कि ये रहा। ओके डन। और एक मुझे चाहिए एक रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप, जो मेरा शेप रहेगा इस तरीके का। ओके, एक शेप इतना बड़ा, और एक और शेप ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा और बड़ा, और या फिर और इससे बड़ा, या फिर और छोटा, फिर और छोटा शेप लेके। ये हमारे शेप्स क्रिएट हो गए हैं। फिर इसको मैं लॉफ कमांड में कैसे यूज करूंगा, चलो आओ देखते हैं। तो हम पहले चलते हैं पर्सपेक्टिव में। ओके, इधर मेरे शेप्स दिख रहे हैं और ये है मेरा लाइन, इसके मैं लॉफ कमांड को यूज करूंगा। सबसे पहले हम लोग को यूज करना है लॉफ कमांड को, क्लिक करना है, क्लिक कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाके। क्लिक करने के बाद पाथ तो हम लोग के पास है ही है, ये हम लोग का पाथ है। हम लोग को चाहिए शेप्स। तो शेप्स में अगर आप स्क्रू ड्राइवर को अगर देखें ध्यान से, तो ये एक तरह का इधर पे गोला जैसा है पहला शेप्स। यहाँ पर इधर से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये पहले एक गोला आता है, यहाँ पर हल्का सा एक सर्कल जैसा बनता है, फिर जाके ये शेप क्रिएट होता है। तो पहले मैं एक सर्कल लेता हूँ, सबसे बड़ा सर्कल, उसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो शेप्स को लेता हूँ, ग्रेड शेप्स, शेप्स को ले लिया, ये पूरा पूरा शेप्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं ये है पाथ। ओके, तो इसको मैं जरा वायर फ्रेम करता हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक तरह का देखो एक्स एक्स मार्क बन गया इधर पे जब हम लोग जूम करते हैं। जैसे जैसे देखो ये पाथ को मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, जैसे देखो एक्स वाला मार्क ऊपर की तरफ जाता रहता है, ठीक है? जितना मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ,
थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा सा मिलने में मैंने इसको रोटेट कर दिया। और देखो मैं इसको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो उतना यहाँ पर जा रहा है, जितना अगर मैं इसको 100 तक कर दूंगा यानी कि 100%, यानी कि पूरा 100 तक चले जाएगा। देखो 100 पूरा कर दिया तो पूरा यहाँ तक लास्ट इसका 100 तक आ गया। ओके तो मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ से कुछ इतने के बाद मेरा शेप्स चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ के बाद यहाँ पर मैं एक और शेप फिर से क्रिएट करूंगा, यहाँ पर मैं फिर से एक सर्कल लूंगा, यहाँ पर ही फिर से यही वाला सर्कल ले लेता हूँ, गेट शेप्स, यहाँ पर एक और सर्कल बन गया है यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके फिर इसके अंदर फिर से मैं थोड़ा सा एक और डिस्टेंस थोड़ा सा हल्का छोड़ के इसके कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाके हम लोग हल्का सा और डिस्टेंस छोड़ के फिर हम लोग इधर पे लेते हैं स्टार को। इधर मैं अप्लाई करने वाला अभी स्टार गेट शेप्स, तो इधर पे लेता हूँ मैं स्टार। इधर पे आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर स्टार लिया तो मैं इधर पे आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर सर्कल बना, तो यहाँ पर क्या बन गया डायरेक्टली ये वाला शेप्स। हम लोग ये शेप्स को छोटा भी कर सकते हैं, अभी ये क्या हो गया काफी ये बड़ा शेप्स बन गया है, और आपको इसको मॉडिफाई करना है यहाँ पर ही मॉडिफाई करना है। हम लोग इसके लॉफ कमांड में जाके शेप्स में जा सकते हैं, शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस शेप को मुझे छोटा करना है इधर पे हम लोग स्केल के थ्रू हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से ठीक है। और इस शेप्स को भी मुझे छोटा करना था तो इस शेप्स को भी हम लोग इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी ये हम लोग का ये वाला पार्ट बन गया, यानी कि आप देख सकते हो हम लोग का कौन सा वाला पार्ट रेडी हो गया है। हम लोग का अभी फिलहाल ये वाला पार्ट रेडी हो गया है। अभी हम लोग को इस जगह पे लगभग तो इस जगह पे आके यहाँ पर फिर से सर्कल की तरफ घूमना है ठीक है। तो फिर से हम लोग जाते हैं कुछ उस एरिया में आके, तो अभी मेरा जो इसका पाथ है 2 पे है, तो इसको हम लोग लेके आते हैं थोड़ा और आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मेरा ये एक्स यहाँ पर आ चुका है, जरा जूम करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर मेरा एक्स आ गया है। मैं इसको लेके जाता हूँ लगभग 50 50 50 50 50 या 45 तक, 45 ठीक ही रहेगा ठीक है, 45 तक लेके आता हूँ। और यहाँ पर आके मैं इसको करता हूँ सर्कल ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली सर्कल करूँ तो क्या होगा जरा देखते हैं, अगर मैं इसको डायरेक्टली सर्कल करता हूँ इधर पे क्या होगा, अभी एफ इधर पे क्या होगा, देखो सर्कल बन गया इधर पे, ये क्या होगा ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्टार्ट से सर्कल में ट्रांसफॉर्म, देखिए तो पूरी तरह से यहाँ पर स्टार होना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्टली सर्कल नहीं आना चाहिए था। और इसके पीछे हम लोग को क्या रखना पड़ेगा स्टार को, इसके पीछे हम लोग ले लेते हैं एक स्टार, स्टार वाला शेप यहाँ पर हम लोग को मिल गया स्टार वाला शेप। ओके अभी यहाँ पर हम लोग पास शेप तो आ गया, मगर फिर भी थोड़ा सा इसके अंदर एक और चीज करना रह गया था जो मैंने नहीं किया। लोग पाथ को सिलेक्ट करके उसको हम लोग चाहे तो मूव भी कर सकते हैं ठीक है, हम लोग को जैसा मूव करना है, और शेप्स को हम लोग स्केल भी कर सकते हैं जैसा हम लोग को स्केल करना है ठीक है। देखिए मेरा शेप्स जो है वो स्केल हो चुका है ठीक है। और अभी इसके आगे के शेप्स को मेरे को फिर से ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, यानी कि और बड़ा शेप्स यहाँ पर इसके आगे चाहिए, तो फिर से हम लोग चलते हैं शेप्स की तरफ और लॉक में फिर F3। अभी हम लोग देखते हैं मेरा जो एक्स मार्क है वो है किधर, मेरे एक्स मार्क को यहाँ पर रखना चाहिए, यहाँ पर देखिए मेरा एक्स मार्क यहाँ पर आ चुका है देखो। ओके यहाँ पर मेरा एक्स मार्क यहाँ पर है ओके डन। फिर से मैं एक और शेप्स को लेता हूँ सर्कल वाले शेप को, गेट शेप्स ठीक है, मेरा ये शेप आ गया है ठीक है। तो अभी इधर पे मेरे को एक और शेप थोड़ा सा आगे की तरफ लेना है थोड़े से डिस्टेंस पे, यानी कि हम लोग को चाहिए स्टार वाला शेप। ओके तो यहाँ पर मैं लेता हूँ गेट शेप स्टार वाला शेप। अभी इधर पे शेप्स में थोड़ा सा क्या हो गया है कि अभी इधर पे भी यही चीज हुई है कि इधर पे इसका साइज और देख सकते हो। ओके तो हम लोग को शेप्स का जो साइज है उसको छोटा करना होगा, उसको भी कर लेते हैं हम लोग स्केल, जितना छोटा करना चाहते हैं उतना छोटा कर लेते हैं।
इसके आगे जब भी स्टार एक चाहिए, स्टार का मार्क चाहिए, तो फिर से आगे चलते हैं हम लोग शेप्स में। फिर शेप्स में आगे बढ़ते हैं फायर फ्रेम में, ओके। फिर आगे की तरफ जाते हैं लगभग 57-58 पे। फिर यहाँ पर मैं फिर से लेता हूँ फोर स्टार गेट शेप्स, ओके, गेट शेप किया और फिर से आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। फिर इधर मैं लेता हूँ सर्कल, हम लोग चाहे तो डायरेक्टली छोटा सर्कल ले सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली छोटा सर्कल मिल गया मुझे, ओके। इस तरीके से बन गया ये, ओके। तो अभी मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ लेना है इसको, ये काफी इस तरह से बन गया, थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए इस तरह से, ओके। अभी चलो ये तो इतना बन गया, अभी आगे की तरफ जो ये शेप बनते हैं, यानी कि जो ये बनता है ये चीज, वो कैसे बनाएंगे? इतना तो ये तो रेडी हो गया, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा फिर से इसके मॉडिफाई में, फिर चलते हैं इसके अंदर, हम लोग चलते हैं शेप्स में। इसका जो हम लोग को मिल रहा है इसका एक्स 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 को यहाँ पर आके, ठीक है, यहाँ पर आके हम लोग को चेंज करना होगा। यहाँ पर एक और सर्कल फिर से लेते हैं, पहले एक और सर्कल ले लेते हैं, एक और सर्कल ले लिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर थोड़ी दूर पे आके पहले तो इसे गेट शेप में लेते हैं बड़ा वाला शेप, ओके। फिर लेते हैं यहाँ पर एक छोटा वाला लास्ट में एक छोटा वाला शेप 100% पे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग का ये स्क्रूड्राइवर टाइप का बन गया है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मगर कुछ कुछ जगह पे अभी थोड़ा सा एक रोटेशन यहाँ पर चाहिए हम लोग को, जैसे उसको मुझे हल्का सा रोटेट करना, काफी मुड़ा हुआ सा लग रहा है इस तरीके से। इसको भी अगर चाहिए था तो थोड़ा स्केल में छोटा भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई भी लॉक कमांड का यूज ऐसे कर सकते हो, ओके। इसको मैं करता हूँ स्मूथ, ओके, डन। तो इस तरीके से हम लोग लॉफ कमांड का यूज करते हैं, इस तरह से शेप्स को क्रिएट करते हैं, इस तरह से हम लोग डिजाइन करने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे लॉफ कमांड का यूज करते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग लॉफ कमांड का यूज कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है, और इस तरह से शेप्स को क्रिएट करते हैं, किस तरह शेप को अप्लाई करते हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।